Hello, 7th standard students. There is drawing lecture today. Take out your creative drawing book. Creative drawing book nikaliye. Now open your book. Page number 7. क्रिएटिव ड्राइंग बुक में पेज नंबर 7 पर आइए। पेज नंबर 7 देखिए, ऊपर कैलीग्राफी, स्केच, मेहंदी डिजाइन। कैलीग्राफी का मतलब हम जान गए हैं, रिवीजन करने को बोल रहे हैं, वो बाद में करेंगे, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लें। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ मेहंदी इन योर younger sister's hand. Whenever there is an auspicious occasion in your house, draw such a sketch in your art book. Use pencil for this. आपकी छोटी बहन के हाथ में कोई खास मौके पर आप मेहंदी लगाएं, यूं कह रहे हैं, और फिर आर्ट बुक में, मतलब येलो बुक में, कभी हम बनाएंगे मेहंदी। अभी फिलहाल क्रिएटिव बुक कंप्लीट करना है मुझे। पेज नंबर 7, कैलीग्राफी स्केच, मेहंदी डिज़ाइन। यहाँ पर मेहंदी हथेली पर, पाम पर बताया है, एक नमूना बताया है। अभी इसे नहीं देखना है, ये इसे नहीं देखना है। नीचे क्या लिखा है? द कैलीग्राफी स्केच इन द फॉर्म ऑफ मेहंदी डिज़ाइन इन द पाम एंड फिंगर्स ऑफ हैंड इज शोन ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पर हथेली पे, पाम पे मेहंदी डिजाइन बनाया है। और से देखिए, वैसे मेहंदी का कोन मेरा भी हाथ पे ठीक से नहीं चलता, ड्राइंग हो जाता है, पेपर पे ड्राइंग हो जाता है, पेंटिंग हो जाती है, लेकिन हाथ पर उस कोन के जरिए थोड़ा मुश्किल सा रहता है। तो आप हम प्रैक्टिस करें तो जरूर आएगा। द लेडीज ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डिजाइन इन द हैंड एट द टाइम ऑफ वेडिंग एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेजन। कोई खास मौके पर या फिर शादी के मौके पर ये औरतें, लड़कियां या औरतें हाथ पर मेहंदी लगाते हैं। द पिक्चर ऑफ अ पाम इज गिवन ऑन द राइट साइड। राइट साइड पर हथेली का पिक्चर है। Draw the design of mehndi in the form of calligraphy sketch of your choice. उसके राइट साइड पर मेहंदी नहीं है, सिर्फ हथेली बना के दिया है। उसमें आपका मन पसंदीदा मेहंदी आप पेंसिल और कलर से, पहले पेंसिल से स्केच बनाओगे, फिर कलर से पेंसिल से स्केच बना लेने के बाद रेड या मरून कलर के स्केच पेन से उसे डार्कन कर लेना है। चलो देखिए, मैंने मेहंदी डिजाइन बना इस तरह, थोड़ा अलग से, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए। तो पहले तो इतना पोर्शन है, वो क्या बोलते हैं, वो टोपचा लगाते, इसको पूरा फिल कर देना है स्केच पेन, रेड कलर, अंगूठे पे भी, थम पे भी, ओके। देन फिर ये, ओके। उसके बाद फिर से यू थोड़ा सा स्पेस छोड़कर किया है, वैसे ही थम नीचे, ओके।
ठीक है। उसके बाद इसको ये डबल लाइन बनाया ना, उसको अंदर बिल्कुल फिल कर देना है मेहंदी, यानी कि रेड कलर स्केच पेन पर। अब दिखा ली ये डबल लाइन है ना, उसके अंदर जैसे कि यहाँ बताया ये ना, के अंदर फिल कर देना पूरा, ये खाली ना दिखना, नहीं दिखना चाहिए। वैसे ही इसको भी, अगर इसको ना करो तो अंदर अंदर के ये इनर सर्कल के अंदर छोटा सा सर्कल है ना, ऐसे ऐसे इसको पूरा ब्लॉक कर देना मेहंदी से, यानी कि स्केच पेन से, इसको भी, इसे भी और इसे भी, ये खाली रहेगा, ये वाला पोर्शन खाली रहेगा। इस तरह से एक में वीडियो लेंदी ना बन जाए, इस तरह आपको पूरा करना है। एक और एक दो मिनट, यहाँ भी इस तरह से तीन चार फूल से ये ऐसे फ्लावर्स बना देना है। तो इस तरह से आपको पेज नंबर 7 पे ये अंदर आपका मन पसंदीदा कोई भी मेहंदी डिजाइन पेंसिल से पहले बनाना है कि टोपचा है, और फिर उसके बाद स्केच पेन से फिल कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ बताया। अगर ये मुश्किल लगे तो दूसरा कोई अच्छा आता है वो, या फिर बिल और कोई और कोई लेकिन खूबसूरत सा, या फिर अगर अगर आपको परेशानी है तो ये यहाँ पर बताया, जैसे कि प्रिंटेड है यहाँ पर इन्होंने बताया बुक में, वही वाला डिज़ाइन बनाना है। ओके, तो पेज नंबर 7 कैलीग्राफी स्केच मेहंदी डिज़ाइन क्रिएटिव बुक में ही पेज नंबर 7 खाली ये पाम का जो प्रिंटिंग किया है उसके अंदर खाली स्पेस है, उसके अंदर मेहंदी डिज़ाइन बनाना है। और मुझे पिक भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप जब बुक सबमिट करने के लिए मैसेज आएगा तब बुक सबमिट करेंगे। ओके, स्कूल में आकर मुझे पिक भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको रहा होमवर्क। ओके, बाय चिल्ड्रन।